एनटीए का एक नोटिफिकेशन देखा हमने, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो भी पेपर लीक को, नीट 2024 के पेपर लीक को लेके जो भी बातें हो रही हैं वो महज एक अफवाह है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके अगर राइट कॉर्नर में आप देखिएगा तो लिखा होगा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। हम पूछ रहे हैं कि 26 लाख लड़के अगर एक साल तक लगातार दिन रात मेहनत करके ये सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अपने जो भी सपने हैं उसको साकार करूंगा, जो भी हमने सोचा होगा लगातार कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते हैं, अगर वही बच्चा इस नोटिफिकेशन को देखेगा तो एक बार तो सोचेगा जरूर कि आज़ादी का कौन सा 75वां अमृत महोत्सव और कौन सी आज़ादी, क्या आज़ादी कुछ पैसों में खरीदी जा सकती है। हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि अगर हमें एक बेगुनाह को बचाना हो तो हम हो सकता हो कि 10 गुनाहगारों को छोड़ सकते हैं। यहां तो 26 लाख बेगुनाह है, मतलब सपने पाल रखे हैं बच्चों ने, दिन रात मेहनत की है। इस एक्सट्रीम कंडीशन में जब वह अवस्था होती है उनकी उम्र की कि अपने खेलने कूदने की चीजों को भी ये कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और किताबों के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सपना देखा था कि इन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और एक एजेंसी बनाई जाती है कि जो इस एग्जामिनेशन को फेयर फ्री करा सके, तमाम चीजों से हर्डल मुक्त करा सके। एक विश्वास है सिस्टम पे कि नहीं सब चीजें सही मिलेंगी, और उसी विश्वास के तहत इतने सारे गार्जियन, इतने सारे बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। और आए दिनों में कुछ ना कुछ यहां से ये मिला साक्ष्य, यहां से वो मिला साक्ष्य। कितना डीमोरलाइजिंग होगा एक बच्चे के लिए जिसने साल भर लगाया होगा आंसर की चेक करके, जो खुश होगा प्रसन्न होगा। सबसे मुश्किल दिन तो अब होंगे उसके लिए कि उसके मार्क्स भी हो सकता हो सही आ रहे हों, लेकिन अभी वो इस डिलेमा में फंसा हुआ कि क्या वो मार्क्स सही में सही हैं। हमने तो अपनी तरफ से जितने मार्क्स लाने थे ला दिए, क्या पैसे से किसी ने मार्क्स और हमसे ज़्यादा ला दिया होगा। जो चीज़ें मिल रही हैं, जो साक्ष्य मिल रहा है, ये तो वही इशारा करेगा। इवन वो तो इस बात पे भी क्लियर नहीं होगा बच्चा कि क्या ऐसा कुछ होगा कि फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, क्या नीट फिर दोबारा होगा क्या। बहुत दुखद है, हम जहां अमृत महोत्सव को बार बार ठप्पे लगा के सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वहां हमारा देश का युवा इस बात को, अपने एग्जाम को, इवन अपने पाए हुए नंबर को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। ये दुख है, ठीक है। कौन सा अमृत महोत्सव, कभी बिहार में से न्यूज आती है कि वहां पेपर लीक हुआ, कभी उड़ीसा से आती है, कभी मतलब तमाम न्यूज पेपर, हम इतना ज्यादा न्यूज पेपर तो नहीं देखते, कुछ आर्टिकल्स कुछ बच्चों के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि सर यहाँ पे भी हुआ, सर वहाँ पे भी हुआ। क्या ये जस्टिस है? एक स्टूडेंट जो सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे लगा हुआ है, क्या उसके साथ एक जस्टिस है? क्या हम बोल सकते हैं कि हम अपने छात्रों को न्याय दे रहे हैं? नहीं। उसके ऊपर से एक अफवाह बन के आती है कि अफवाह है, सारी बातें झूठ है। एक अथॉरिटी, एक एजेंसी है एनटीए, जिसको बस फ्री एंड फेयर एग्जाम कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए बनाया गया, वहां से भी चूक हो रही है। तो बच्चे किस बात पे विश्वास करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो गुजारिश यही है कि जिस तरह हमारे लॉ में, हमारे कानून में बताया गया है कि अगर एक बेगुनाह को रिहा करने के लिए, एक बेगुनाह को बचाने के लिए 10 गुनाहगारों को छोड़ना पड़े, तो यहां तो मैं यही बोल रहा हूं कि यहां तो 26 लाख बेगुनाह है। क्या करेंगे आप? कुछ तो मार्गदर्शन करें, बस ऐसे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का ठप्पा लगा के केवल ले लिख देना कि सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं, ये तो जस्टिस नहीं होगा उन 26 लाख बच्चों के साथ। तो प्रॉपर जस्टिस क्या है बच्चों के साथ, जरा इसको क्लेरिफाई करिए। बच्चों का भी हक है जानना, क्योंकि बच्चे इस टेस्ट के लिए बरसों से लगे हुए, बरसों से ख्वाब पला हुआ, हर बच्चे का, हर गार्जियन का ये हक है जानना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कार्यवाही की जा रही है, क्या होगा, एग्जाम दोबारा होगा नहीं होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कैसे श्योर करेंगे कि सब चीजें अभी तक जो मिले हैं साक्ष्य वो गलत हैं, या कैसे हमें श्योर करें कि जो रिजल्ट आएगा वो सही ही होगा। तो बच्चों आप बताइएगा, जुड़े रहिएगा अड्डा नीट से, हम मिलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।